नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसी जानकारियाँ लाया हूँ दोस्तों जो आप सभी के लिए बेहद लाभकारी होंगी। यूँ तो हर बार हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारियाँ लाते हैं दोस्तों, ढूंढ करके जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, पर ये ख़ास है उनमें से दोस्तों। क्योंकि अक्सर जब हम खाना खाते हैं रात को तो रोटी हमारे घर में बच जाता है दोस्तों, तो चलो हम जंतुओं को दे देते हैं, तब तो हमारा यूज हुआ दोस्तों कि किसी ज़रूरतमंद को दे दिए या जंतुओं को दे दिए। जब तक वो ख़राब नहीं होती है रोटी, अगर हम उसे फेंक देते हैं कूड़े में, फिर गलत हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम बासी रोटी को सही रूप में खाएँ तो कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जिनको दूर करने में यह बेहद कारगर साबित होता है दोस्तों। अगर हम बासी रोटी का सदुपयोग करें यानी कि सही ढंग से इस्तेमाल करें तो हमारे लिए कई बीमारियों को दूर करने वाला यह साबित होता है। साबुत अनाज से बनी रोटी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है दोस्तों। हर रोज हम लोग दिन में दो चार रोटियाँ खाते ही हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में दोस्तों फाइबर पाया जाता है जो कि भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करता है। फाइबर से हमारा खाना जो है दोस्तों वो इजीली हजम होता है और ये मधुमेह को भी कंट्रोल करता है। अगर हम बासी रोटी को खाते हैं तो बहुत सारे लोगों को आज देख रहे हैं कि खास करके शहरी क्षेत्रों में डायबिटीज़ के मरीज़ लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं और हर उम्र के हर वर्ग के लोग होते जा रहे हैं, गाँव में भी शहरों में भी। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है बासी रोटी। कैसे खाना होगा तो कंट्रोल करेगा दोस्तों, हम उसे अगर दूध में उबाल करके सुबह फीका, यानी कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको याद रखना होगा, रोटी और दूध जब आप बना रहे हों तो उसमें चीनी ना डालें, यानी कि शक्कर का सेवन आप ना करें, आपके लिए तब बेहद लाभकारी होगा दोस्तों। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अगर हम दूध में रोटी को उबाल करके यानी कि बासी रोटी को खाते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनसे भी हम बच सकते हैं दोस्तों। बासी रोटी खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है। रोज़ाना सुबह ठंडे दूध के साथ दो रोटी अगर आप यानी कि बासी रोटी खाते हैं तो शरीर का रक्तचाप संतुलित रहता है। इसके अलावा ज़्यादा गर्मी के मौसम में भी इसका सेवन करने से शरीर का तापमान सही रहता है दोस्तों। अभी गर्मियाँ आ गई हैं और अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है तो ये हमारा व्यू दोस्तों आप सभी के लिए है, समझिए, क्योंकि आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा उस कंडीशन में ये दोस्तों। पाचन क्रिया सही ढंग से काम करने लगता है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप बासी रोटी खाते हैं दोस्तों दूध के साथ तो पाचन क्रिया तंदुरुस्त हो जाती है दोस्तों। अगर आपके खाना पचने में कुछ दिक्कत होती है, पेट में कोई गड़बड़ी, अपच, गैस जैसी समस्याएं हैं तो वो दूर हो जाती हैं दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने, आज हम बासी रोटी के फायदे आप सभी के लिए ये जानकारी एकत्रित करके लाए थे दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।